एशियाटिक લાયનના ગઢ એવા સાસણગીર અભયારણ્ય વિસ્તારમાં ઉનાળાની શરૂઆત થતાં જ નાના મોટા વોકળા અને નદી નાળા સુકાવા લાગે છે, તો બીજી તરફ ધમધકતા તડકા અને ગરમી વચ્ચે વન્ય પ્રાણીઓ માટે પાણી મળવું કઠિન બની જાય છે। ત્યારે પ્રતિ વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ સાસણગીર પંથકમાં વન વિભાગ દ્વારા વન્યજીવોને કૃત્રિમ રીતે પાણી પૂરું પાડવામાં આવી રહ્યું છે। गीर अभयारण्यमां 500 वधु पाणीना पण नक्की कराया छे, जेमां टेंकरो द्वारा पाणी ठालवामां आवे छे, तो घणी जग्याए पवनचक्की अने सोलार वॉटर पंप द्वारा पाणी पूरू पाडवामां आवे छे। वन्यजीवोने लांबा अंतर सुधी पाणी माटे भटकवू न पड़े ते माटे आश्रे 100 वधु पवनचक्की अने सोलार वॉटर पंप द्वारा निर्धारित पॉइंट पर कृत्रिम रीते पाणी पहोंचाडवामां आवी रह्युं छे। આ ઉપરાંત રાજ્યના નમૂનેદાર એવા સાસણગીર એનિમલ કેર સેન્ટર ખાતે રાખવામાં આવેલા સી અને દીપડા સહિતના વન્ય પ્રાણીઓને ગરમી ન લાગે તે માટે અલાયદી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। એનિમલ કેર સેન્ટરમાં પિંજરાઓ પર નેટ બાંધી પાણીનો સમયાંતરે છંટકાવ કરવામાં આવે છે। અભી ગરમી કા સીઝન શરૂ હો ગયા હે और हम जो गुजरात के सौराष्ट्र के गीर विभाग में पोस्टेड हैं, और गीर विभाग में जो पूरा मैनेजमेंट देखते हैं उस एंगल से देखते हैं तो गर्मी के सीज़न में पानी का जो वाटर पॉइंट्स होते हैं, पानी की यहाँ पे क्योंकि सेमी एरिड रीजन है तो पानी की शॉर्टेज होती है गर्मी, उसी को देखते हुए पूरे जो हमारा गीर का लैंडस्केप है उसमें वाटर पॉइंट्स का हमने सर्वे करके ये देखा कि नेचुरली पानी कहाँ मिल सकता है जानवर को और बाकी जगह हमें कहाँ वाटर पॉइंट भरने की ज़रूरत है। ये देख करके पूरे गीर लैंडस्केप में अराउंड लगभग टोटल जो वाटर पॉइंट है नेचुरल आर्टिफिशियल मिला करके 500 के आसपास वाटर पॉइंट है, और उनमें अभी गर्मी के सीज़न में हम स्टेजर्ड मैनर में पानी भरते हैं। ऐसा नहीं कि सब एक साथ भरते हैं, पहले 100 भरने हैं कि 150 भरने हैं, वो हम नक्की कर लेते हैं कि किसके अनुसार में है, और ये पानी के भरने का काम शुरू हो गया। सिर्फ पानी का पॉइंट भरना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पानी का पॉइंट का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पॉइंट होगा वो किस स्टाइल का होगा। तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं अभी जो हमारे स्टैंडर्ड डिज़ाइन में है वो सोसर से वाटर पॉइंट होता है, सोसर के पास में एक मड पॉइंट होगा, जैसे पानी को आपको क्लीन करना है या ओवरफ्लो पानी हुआ तो वो मड पॉइंट में जाता है। मड पॉइंट होता है वो जैसे सांभर है या वाइल्ड बोर है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ में जो पानी के भरने पानी कैसे भरा जाएगा, हम तीन तरीके से पानी भरते हैं। एक सोलर, ज़्यादातर जो हमारे जो पॉइंट है वो सोलर से भरे जाते हैं, बाकी जो कुछ पॉइंट बच के हैं वहाँ पर विंडमिल्स है, और कोई ऐसा है जहाँ डिफिकल्ट सिचुएशन है वहाँ पर हम वाटर टैंकर भी यूज करते हैं। तो इस तरह से पानी भरा जाता है। हर एक जो वाटर पॉइंट होगा उस पर आपको दो गनी बैग मिलेंगे जिसको बोरी या कोथला जो बोलते हैं, वो इसलिए कि इंसेक्ट जो डाइवर्सिटी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पानी पी सके या पानी ले जा सके, और जो गनी बैग है वो आधा पानी में डिप रहता है और आधा बाहर रहता है, वो कैपिलरी एक्शन से पानी खींचता है और वो इंसेक्ट है उस पर लैंड करके आराम से पानी ले जाए। अदरवाइज क्या होता है, हवा चलती है या कुछ हो रहा है तो पानी में रिपल बनते हैं, उससे इंसेक्ट बह जाता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। गुजरात यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करो, क्लिक करो बेल आइकन, मेड़ वो विश्वभर न्यूज अपडेट।